नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हमेशा से विवादों में रहने वाला नारी निकेतन आज फिर एक बार विवाद में आया है। नारी निकेतन में रह रही लड़कियों ने हंगामा किया और हंगामे की वजह थी नारी निकेतन में मोबाइल का मिलना, जिसे रखने को लेकर हंगामा हुआ और मौके पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़कियों को शांत करवाया और मामले को निपटवाया। पुलिस का कहना है कि नारी निकेतन में एक मोबाइल मिला था जो बिना किसी सिम का था, जिसको रखने को लेकर हंगामा और शोर शराबा हुआ, जिसके बाद हमें सूचना मिली, हम मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर सभी लड़कियों को शांत करवाया गया। पुलिस का कहना है कि लड़कियों ने अपनी जायज मांग लिखकर सुपरिटेंडेंट को दी है, जिससे उन्होंने मांग की है कि हमारी हफ्ते में एक बार परिवार व जानकारों से फोन पर बात होनी चाहिए और साथ ही खाना बनाने के लिए कोई मेड हो। हम किसी भी तरह का खाना बनाने में काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि मामले की सूचना मिलते ही मीडिया भी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक हम पहुंचे तब तक लड़कियों को शांत करवा दिया गया था और सिर्फ पुलिस के साथ कुछ ही जानों को अंदर बाहर आने जाने दिया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार नारी निकेतन में 70 से ज्यादा लड़कियां रह रही हैं, जिसमें अधिकतर नाबालिग लड़कियां हैं जिनके सुधार के लिए उन्हें यहां रखा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर वक्त पहरे में रहने वाली इन लड़कियों के पास आखिरकार मोबाइल कहां से आया? अगर बिना सिम का भी है तो मोबाइल आया कहां से, जिसकी जांच की बात की जा रही है। हमें गुरु नानक खालसा कॉलेज में ड्यूटी पे थे, वहाँ पे हमारे को सूचना मिली थी भाई वहाँ अपना नारी निकेतन में पहुँचो, PCR दुर्गा शक्ति गई हुई है। तो हम यहाँ आए और वो जो बच्चे यहाँ बंद हैं वो आपस में उनकी को डिमांड वगैरह थी हैं, तो उन्होंने जो जो डिमांड है वो लिख के सुपरिटेंडेंट साहब को दे दी और अंदर एक वो मोबाइल मिले है बगैर उसका सिम का कह रहे थे। अच्छा, हाँ हमें तो चेक वेक नहीं किया, वो तो सुपरिटेंडेंट का मैटर था ना, हमारे आने से पहले की बातें सारी है। मोबाइल मिला था और वो ये कह रहे हैं भी हमारी जो डिमांड है ये लागू होनी चाहिए, हफ्ते में एक बार हमारी बात होनी चाहिए हमारे माँ बाप से, हमारे उनसे जो परिजन है, परिजन है या जो इनके जानकार हैं उनसे होनी चाहिए हैं, और हमारे साथ मेड होनी चाहिए, खाना हम नहीं बनाएंगे, खुद मेड खाना बनाएगी और हमारे को खिलाएगी टाइम टू टाइम। तो खाना खुद बनाना पड़ता है लड़के, खाना खुद नहीं मतलब इनकी अमदाद ली जाती है, जैसे आपस में बनाते हैं सारे ही हैं, इनकी भी होती है, ये भी खुद अमदाद कर देती है बच्चे। तो अब क्या, अब हंगामा कर रही है? नहीं, शांत है। आपने कोई सुना? नारेबाजी कर रही थी लड़कियां मांग को लेकर? अपनी मांग को ना लेके एक दो आवाज जरूर लगाई थी, फिर हमने उनको समझा दिया बेटा ऐसे ऐसे बात है, ज्यादा शोर करनी जरूरत नहीं, जो जो तुम्हारी डिमांड है। ये भी पता लगा अंदर अधिकतर लड़कियां हैं, यहाँ कैपेसिटी 25 की है, अंदर 50-60 लड़के। सर इस चीज के बारे में सुपरिटेंडेंट साहब बता सकते हैं, उसके बारे में जो इसका लेखा जोखा वो मामला पहले भी उठा था ज्यादा उनके पास है, इस चीज का मुझे नॉलेज नहीं भी। अभी तो सिर्फ खाने का और मोबाइल, बस उनकी जो डिमांडे हैं जो जायज डिमांडे उनकी वो है, बाकी उनकी डिमांड तो इनकी पूरी करते रहते हैं। अब शांति है? अब शांति है बिल्कुल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।